हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे। और आज एक्सप्लोर करते हैं जी अपनी गाड़ी में क्या क्या सेटअप हुआ है। सारा सेटअप प्रवीण भाई ने किया है, जैसे कि आपको थोड़ा नज़र आ ही रहा होगा। मैं इस साइड हो जाता हूं थोड़ा। ये बॉक्स वगैरह सारे रखे हैं, जो जो चीज़ इसमें लगी हैं, तो स्टेप बाई स्टेप बताएँगे आपको। सबसे पहले इंस्टॉलेशन दिखाऊँगा और प्राइज के साथ, फिर प्राइज़ भी बताऊँगा और लास्ट में आपको आउटपुट सुनवाऊँगा क्या क्या है। लास्ट तक बने रहें, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे आज, छोटी वीडियो बट मोटी इन्फॉर्मेशन रखेंगे। दोस्तों ये वाली साउंड डैम्पिंग लग रही है अपने में, जो सिटी के गोल्ड है उसके इक्वल है। ये फेवरो फिल्टर की गोल्ड डैम्पिंग सीट है। और ये साइड के डोर पैनल उतर चुके हैं, उसी साइड दूसरी साइड भी भाई उतार रहे हैं। चलिए लगने के बाद दिखाता हूँ आपको। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, देखो महिंद्रा ने है ना अपनी साइड से भी डैम्पिंग दी हुई है। देख रहे हो जो आपका क्रोम पोर्शन, ये डैम्पिंग है महिंद्रा की साइड से इनबिल्ट आई थी इसमें। और अभी भाई अपना ऊपर लगा रहा है, ये देख सकते हो दोस्तों, जो आउटर लेयर है अपनी डोर की उस पर लग रही है अभी। फाइनल टच दे रहे हैं दिवेश भाई। दिवेश भाई एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे ये डैम्पिंग लगा दी और यहाँ पर थोड़ा सा जैसे बढ़ जाएगा एरिया, तो ऐसा तो नहीं है जो अपना गत्ता है वो उठा रह जाए या फिट ना हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी फिटिंग आएगी जैसे पहले फिटिंग थी। अच्छा, वैसे ही सनक फिट होगा एकदम से? चलिए दोस्तों वो भी लगने के बाद आपको दिखाऊंगा मैं। ये देख सकते हो दोस्तों फाइनल टच, डैम्पिंग कंप्लीट हो चुकी है यहाँ भी। और ये अपनी मिड्स हैं जो अभी अपनी स्कॉर्पियो में लगेंगी, डेबोन्स की सिल्वेस्टर सीरीज, देख लीजिए आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये है और ये फ्रंट डोर और डिग्गी दोनों में लगेंगे, आपको लगने के बाद मैं दिखाता हूँ वैसे कैसी दिखती है वो भी एक बार देख लीजिए। ये जी ये मैग्नेट देख लीजिए, और जो कंपनी से आए थे अपने वो ये हैं, कंपनी वाले देख लीजिए कैसे। और अभी ये लगेगी, इसकी मैग्नेट देखिए कितनी बड़ी है। ये जो हाँ अपने रियर डोर में ये लग रहे हैं, तो भाई कुछ बता रहे हैं, बताना प्रवीण भाई। ये स्पीकर ये आप देख सकते हो मैग्नेट मोटर कितनी बड़ी है। हाँ जी, ये इसकी स्टॉक पोजीशन में आ नहीं रही, इसकी अब स्टॉक अडेप्टर में डाल रहे हैं तो नहीं आ रही है, मैग्नेट ही नहीं आ रही। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसके लिए भाई साहब क्या करोगे? इसके लिए अपने को कस्टम इसके रिंग बनाने पड़ेंगे अडेप्टर, जो यहाँ पे एडजस्ट होंगे, साथ में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन यहाँ कट भी करना पड़ेगा ग्राइंडर से। ओके, कट करके सेट हो जाए। हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी भाई साहब कटिंग ना? फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी लगाने में प्रॉब्लम है जब नहीं होगी। ओके जी। और पीछे तो नहीं टकरा रहे भाई साहब? जैसे आप पीछे नहीं टकरा रहे, पीछे है स्पेस है। हाँ, इनके माउंटिंग डेप्थ कम है, ज़्यादा नहीं है। ओके ओके, शैलो ही है पीछे, यहाँ पे प्लेंटी है स्पेस। ठीक है दोस्तों, वो भी मैं अभी लगने के बाद दिखाऊंगा आपको। फ्रेंड्स ये अपनी डिग्गी भी डैम्प हो चुकी है, देखिए अंदर से भी दिख रही होगी आपको और बाहर से भी। प्रवीण भाई ने बड़े स्पाई से काम किया है। अभी इसमें मिड्स लगने के बाद फिर दिखाता हूँ आपको आगे का काम। ये जो मिड्स थी वो लग चुकी हैं, एक्चुअली मैं ढंग से शूट नहीं कर पाया। भाई साहब जो वायरिंग है वो कैसे की है, हमें थोड़ा बता दें। वायरिंग अभी ऐसे है, स्टॉक वायरिंग यूज़ की है गाड़ी की स्पीकर्स के लिए, जो अच्छा अच्छा स्टीरियो से आई हुई थी, एक्स्ट्रा वायर डाली नहीं है अभी। ये तो भाई साहब बहुत बढ़िया काम कर दिया। ये अभी जैसे कि वारंटी इशू रहता है कि अभी गाड़ी बिल्कुल नई है, फ्रेश है। हाँ जी, तो अभी स्टीरियो भी नहीं खोला और वायरिंग भी यहीं से यूज़ किया है। बहुत बढ़िया। और सबवूफर के लिए वायरिंग, मतलब उसके लिए आउटपुट कहाँ से लोगे? इनपुट ऐसे ही स्पीकर आउट ही लेंगे अपना। अच्छा, स्पीकर से ही लो, स्टीरियो खोलना ही नहीं है। हाँ जी जी, स्पीकर आउट है, उसी से अपना डीएसपी चलाएंगे पायनियर का। बढ़िया, पायनियर के डीएसपी से फिर आउट। बढ़िया बढ़िया सर, ये देख सकते हो दोस्तों स्टीरियो नहीं खोला गया है बिल्कुल भी, और जो स्टॉक वायरिंग है वही यूज़ कर रहे हैं, और स्पीकर वायर से ही अपने सबवूफर के लिए इनपुट ले लेंगे। दिखाऊंगा मैं आपको जब सबवूफर लगेंगे। भाई साहब इस वायर के बारे में बताओ थोड़ा। ये 35 mm वायर है सर जी, इक्विवेलेंट टू 4 गेज। रियलिटी में जो करेक्ट 35 mm होती है वो 4 गेज ही होती है। और ये अपने किसके लिए यूज कर रहे हो? ये अपने हैं, दोनों एम्प में ये यूज होनी है जी, पावर वायर। हाँ, 300.4 में भी और 1500.1 में, दोनों में। ठीक है दोस्तों, चलो आगे आपको दिखाता हूँ मैं वायरिंग होते हुए भी, कौन से एम्प लग रहे हैं वो भी दिखाएंगे अभी। फ्लेक्सिबल वायर है, स्पेशली चढ़ा रखी है, पीवीसी जैकेट ही है।
ओके ओके, ये बढ़िया। कई लोग इसको जीरो गेज बोलते हैं साहब। जीरो गेज यूं लगा लो, अपने अंगूठे से मोटी होती है जी। अच्छा अच्छा, करीबन यूं लगा लो 50 गेज से ऊपर, 70 mm से कम थोड़ी बस। अच्छा 50 mm से ऊपर, 70 से कम। ओके ओके, वो जीरो गेज होती है और ये 4 गेज है। 4 गेज है प्रॉपर। दोस्तों जो वायरिंग प्रवीण भाई ने दिखाई थी अभी 4 गेज की, वो देख लीजिए कैसे इंस्टॉल की गई है। ये अपनी पावर वायर है, बड़ी क्लीनली फिट गई है, ऐसे लग रहा है जैसे कंपनी फिटेड है। और ये फ्यूज है अपना, इसमें ये 200-200 एम्पियर के दो फ्यूज लगे हैं, दोनों एम्प के लिए अलग से वायरिंग जा रही है। देख लीजिए बड़ी ही क्लीनली फिट की है भाई ने, बिल्कुल OEM फिटिंग लग रही है। चलिए अगला कुछ और दिखाते हैं अभी आपको। ये फ्रेंड्स अपने 4 चैनल एम्प की वायरिंग है, देख सकते हो आप। तो ये 4 चैनल एम्प की वायरिंग देख सकते हो, 300.4 आपको देख लीजिए, बड़ी नीट एंड क्लीन की गई। और ये अपना पियोनियर का DSP, जो कंपनी फिटेड कट थे उसी में से वायर निकाली गई है, एक भी कहीं से भी काटा नहीं गया। ये कंपनी फिटेड कट ही है, उनमें से अपने पावर वायर वगैरह या RC केबल्स देख सकते हो। ये पियोनियर का DSP है और इसकी भी यहाँ से देख सकते हो आप, ये कंपनी की कटिंग थी, इसकी वायरिंग करती है। ये 4 चैनल एम्पलीफायर अपना। दोस्तों ये अपने मोनो एम्पलीफायर की वायरिंग हो चुकी है, देख सकते हो आप कितना नीट एंड क्लीन तरीके से हुआ है। ये देखिए पावर वायर और ये अपने RC हैं, दोनों अलग अलग आ रहे हैं ताकि हमिंग ना हो। और ये एम्पलीफायर की सबवूफर की जा रही है आउटपुट के लिए। फ्रंट डोर वाली मिड शायद मैं नहीं दिखा पाया आपको, लेकिन जो रियर में मिड अपनी लगी है वो देख लीजिए आप। साउंड डंपिंग होने के बाद फिर अपने ये मिड फिट की गई है, जो कि अपने 300.4 एम्पलीफायर से चल रही है। और ये अपने सब बुफर हैं जी मसेट्टे के, मैंने इनकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाई है मिड्स की भी, ये देख सकते हो जैसे कि आप। ये मिड्स हैं डेबोन्स एपोकलिप्स सिल्वेस्टर सीरीज है ये मिड रेंज। ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है सही बताऊँ मैं आपको। और ये अपने सब बुफर हैं मसेट्टे के, 5 सीरीज हैं ये और 800 वाट RMS के साथ है, देख सकते हो आप। डुअल सब बुफर है जो कि 1500.1D, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको उसका भी बॉक्स। ये अपना 4 चैनल एम्प है देख सकते हो आप। और ये अपना मोनो एम्प है, इनके साइज़ बहुत ही छोटा कॉम्पैक्ट है, जो कि अपनी दोनों सीटों के नीचे फिट हो गए हैं, इस टाइप से है जी। अच्छा और गाड़ी में अपने क्या लगा वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये मिड अपनी 4 लगी हैं, ये बुलेट ट्विटर हैं जो डैशबोर्ड पर है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा ब्राइट है जी, बहुत ज़्यादा। और दोस्तों एक ही कैमरा लगवाया है मैंने, आफ्टर मार्केट लगवाया है, लेकिन किसी को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आफ्टर मार्केट लगवाएं, क्योंकि फाइनली ये महिंद्रा में जाके ही सेट हुआ है, क्योंकि इसको डिकोडिंग भी करवाना पड़ता है और सॉफ्टवेयर से अप्रूव होता है ये, और वहीं जाके इसकी वायरिंग भी सेट हुई। वैसे मैंने बाहर से खरीदा था, एक ये भी अपग्रेड करवाया है। हॉर्न लगवाएं जी, मैक्सलिंक के है, 1 ईयर वारंटी के साथ हैं, और जो क्रेटा ऑन बोलते हैं ये वही है। और जो मैं ट्विटर की बात कर रहा था ये देख लीजिए, अभी इनके पोर्ट्स आए नहीं हैं जो पिलर में लगेंगे, या हो सकता है उससे पहले ही मैं इनको चेंज कर दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहे हैं। क्योंकि मेरा एक प्लान था अगर सबवूफर को हटा दिया जाए तो उसके बिना भी एक अच्छी बेस आनी चाहिए, लेकिन जो ये मिड्स हैं अपनी ये सिर्फ वोकल के लिए हैं और बहुत ज़्यादा लाउड हैं, तो अगर सबवूफर हटा दिया तो कोई बेस नहीं आएगी, साउंड क्लियरिटी नहीं रहेगी, ये सिर्फ सबवूफर के साथ ही मैच कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ, अगर सबवूफर को हटा भी दिया जाए तो एक अच्छी साउंड आए, एक बढ़िया बेस भी आ जाए थोड़ी सी डोर से ही, तो हो सकता है मैं जल्दी ही इनको चेंज करके कुछ अच्छा आपके लिए लेके आऊँ, उसकी वीडियो भी बनाऊँगा मैं। तो आज की वीडियो में यही था बस, आपने देख ही लिया है, ये अपने बुलेट ट्विटर हैं DB के। और चलिए अभी आउटपुट सुनाते हैं आपको, इसका सॉन्ग प्ले कर लेते हैं हम ताकि कॉपीराइट ना आए। ये प्ले हो गया है, म्यूट है शायद। और इसको मैं आपको सिर्फ 20% वॉल्यूम पे ही सुनवाऊंगा, माइक भी इतना पकड़ नहीं पाता है, आप फ्लेक्स से आइडिया लगा सकते हैं, बहुत ही लाउड है सिस्टम ये। चलिए सुनिए आप।
वॉल्यूम पे भी बहुत ज़्यादा लाउड है और ट्रेबल तो हद ही है, सही बताऊँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा हद है इनके। चलिए इसको म्यूट करते हैं और अभी आपको मैं तो अभी साथ में फ़ोटो चलती रहेंगी, आप चीज़ों का आइडिया लगा सकते हो, मैं एक चीज़ का प्राइस बता देता हूँ। लेकिन हाँ, मेरे बताए हुए प्राइस पे आप किसी भी शॉपकीपर को कंपेल मत करना कि भाई उसने इतने का लगाया था, क्योंकि टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं और मैं चाहता हूँ कि आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिले, जो मेरे को मिला प्राइस। वैसे भी आप प्रवीण भाई से लेंगे तो आपको बहुत ही जायज़ प्राइस में मिलेगा, सही बताऊँ आपको। आपने जो 1500.1D देखा है, 18,000 का है, जो 300.4 है वो 22,000 रुपये का है, और ये मैं एम्पलीफायर की बात कर रहा हूँ। जो आपने मसेटे की 800 RMS के दो सबवूफर देखे हैं वो 30,000 रुपये की, आफ्टर डिस्काउंट है ये, सिर्फ बता देता हूँ मैं। और जो इनक्लोजर देख रहे हो वो भाई ने मेरे कहने पे बनाया है, इनक्लोजर बहुत ही प्यारा बनाया है, मैं उसकी एक फ़ोटो भी अभी साथ में शेयर कर रहा हूँ, सारी चीज़ों की मैं फ़ोटो साथ में शेयर करता रहूँगा। उसका प्राइस भी एक्चुअली फ्लिक्चुएट रहता है, आप कॉल करके पूछ लेना, प्रवीण भाई का नंबर साथ में चल रहा है। ट्विटर आप देख रहे हो अभी साथ में, ये है जी 7,000 रुपये के, 6.5 से 7 के हैं, क्योंकि बाद में कुछ प्राइस ऊपर नीचे होते हैं तो लास्ट में एक्चुअली फाइनल डील होती है कितने का हुआ, आप कैलकुलेट कर लेना सारा जो मैं बता रहा हूँ। वायरिंग है, जैसे वायरिंग आपने देखी बहुत ही सॉलिड यूज़ की है भाई ने, RCA केबल वगैरह भी बहुत ही अच्छी यूज़ की है, तो उनका जैसे पावर वायर है 3,000 रुपये की हैं और RCA केबल 2,000 रुपये की हैं, ये सिस्टम है जी। और प्राइस कुछ रह गया तो दोस्तों कमेंट करके पूछ लेना। और प्रोसेसर भी लगा है, पियोनियर का प्रोसेसर लगा है 10,000 का, ये वही प्रोसेसर है जो अपनी पुरानी स्कॉर्पियो में था, उसका वीडियो में लिंक दे दूंगा मैं आपको, आई बटन में जाके चेक कर सकते हो उसमें क्या क्या लगा था, ये प्रोसेसर वही है, ये 10,000 रुपये का। हाँ, मिड्स रह गई हैं, जो 4 मिड हैं, 4 मिड्स पड़ी हैं जी अपने को 17,000 की, आफ्टर डिस्काउंट है ये सब कुछ, प्राइस एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ मैं, फ्लैक्चुएसन होता रहता थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, एक्चुअली इतना क्लियर कट प्राइस मेरे हिसाब से यूट्यूब पे कोई बताता नहीं है, और प्रवीण भाई भी मेरे को मना नहीं करते हैं कि उन्होंने किस रेट में मेरे को दिया है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और वो बोलते हैं कि अगर मेरी वीडियो देख के कोई जाएगा तो 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे देंगे, तो आप मेरा रेफरेंस दे सकते हैं उनको। सब कुछ कवर हो गया है, अगर कुछ रह गया तो कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से पूछ सकते हैं कोई भी भाई। जल्द ही कुछ प्लान कर रहा हूँ कि एक अच्छा कंपोनेंट सेट कोई लगाएं जिससे कि बेस भी आए और साउंड क्वालिटी इंप्रूव हो, अगर सब ऊपर उतार दिए जाएं तो। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो अपनी स्कॉर्पियो की सीरीज चलती रहेगी, कुछ कुछ मॉडिफिकेशन होता रहेगा, वो सब आपके साथ शेयर की जाएगी। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।